देहरादून पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का पर्चा दिया है और 12 घंटे के भीतर ही रायपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और दो लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 3 लाख के जेवरात और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों अभियुक्तों में से एक नाबालिग भी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों ही नशे के आदी हैं। थाना रायपुर में जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया था कि वो अपने जो है नजीबाबाद गए हुए थे और पीछे से जो उनके घर में चोरी हुई थी, ताला तोड़ करके अलमारी से उनका लगभग 3 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख का कैश जो है चोरी कर लिया गया था। इस आधार पर हमारे थाने में मुकदमा पंजीकृत किया, जो अलग अलग हमारी टीमें गठित हुई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और पुराने चोरों का वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो नशे में लिप्त लोग हैं उनका वेरिफिकेशन करते हुए जो दो लोग शॉर्टलिस्ट किए उनको जो हमने पूछताछ करके और उनके मूवमेंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की।